भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर खामोशी से एक बड़े मिशन में लगे हैं। विदेश मंत्री एक ऐसे देश पहुंचे हैं जिसके बारे में आम तौर पर चर्चा नहीं होती, लेकिन ये देश भारत के लिए किसी खजाने से कम नहीं है। एस जयशंकर अफ्रीकी देश तंजानिया पहुंचे हैं। खास बात यह है कि भारत का एक खतरनाक युद्धपोत आईएनएस त्रिशूल भी इस समय तंजानिया में खड़ा है। आईएनएस त्रिशूल अत्याधुनिक हथियारों के साथ लैस है। विदेश मंत्री एस जयशंकर और आईएनएस त्रिशूल का तंजानिया में होना दुनिया को हैरान कर रहा है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि भारत तंजानिया में क्या कर रहा है। इसका जवाब है मिशन अफ्रीका। यूरोप और खाड़ी देशों के बाद भारत ने अपना पूरा ध्यान अफ्रीकी महाद्वीप पर लगा दिया है। तंजानिया पहुंचने से पहले विदेश मंत्री एस जयशंकर युगांडा, साउथ अफ्रीका और मोजाम्बिक का दौरा कर चुके हैं। मोजाम्बिक और तंजानिया भारत के लिए सबसे खास हैं। इस वीडियो में आपको बताएंगे कि भारत किस बड़ी रणनीति पर काम कर रहा है। दरअसल अफ्रीकी महाद्वीप पर इस वक्त दुनिया की कई महाशक्तियां अपनी ताकत दिखा रही हैं। एक्सपर्ट्स का मानना है कि अफ्रीका होपलेस कॉन्टिनेंट से बदलकर अब होपफुल कॉन्टिनेंट बनता जा रहा है, यानी निराशा से भरा अफ्रीकी महाद्वीप अब उम्मीदों का महाद्वीप बन रहा है। इसी वजह से भारत अब अफ्रीका में दबदबा बनाना चाहता है। अफ्रीका में चीन, अमेरिका और रूस पहले से ही एक दूसरे से लड़ रहे हैं, और अब अफ्रीका में भारत की एंट्री ने माहौल को गर्मा दिया है। अफ्रीका भारत के लिए व्यापारिक और रणनीतिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण है। अफ्रीका में इस वक्त चीन अपनी भयंकर पकड़ बना चुका है। ये भारत के लिए एक बड़ा खतरा हो सकता है। आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि अफ्रीका के 54 देशों में से करीब 42 में चीन ने अपनी बेल्ट एंड रोड परियोजना शुरू कर दी है। चीन अफ्रीका का इस्तेमाल भारत को घेरने के लिए भी कर रहा है। चीन ने हिंद महासागर में भारत को डराने के लिए अफ्रीका को ही अपना ठिकाना बनाया है। चीन ने अफ्रीका के गरीब देश जिबूती में अपना नौसैनिक बेस बनाया हुआ है। चीन जिबूती से भारत पर हमला कर सकता है और पूरे हिंद महासागर में अशांति फैला सकता है, लेकिन भारत ने अब चीन को अफ्रीका से धकेलना शुरू कर दिया है। विदेश मंत्री एस जयशंकर तंजानिया में हैं। तंजानिया के अरब सागर से लगे होने के कारण इसका सामरिक महत्व है। जिबूती में चीन के नौसैनिक बेस को टक्कर देने के लिए ही भारत ने अपना आईएनएस त्रिशूल तंजानिया में खड़ा कर रखा है। तंजानिया इस दशक के सबसे तेजी से विकास करने वाले अफ्रीकी देशों में से एक है। भारत ने तंजानिया में काफी निवेश कर रखा है। एक दशक पहले ही दुनिया को पता चला है कि तंजानिया से लगे समंदर में प्राकृतिक गैस के विशाल भंडार हैं। ये भारत के लिए काफी अहम साबित हो सकता है, क्योंकि तंजानिया की तेल कंपनियों को खड़ा करने में भारत ने ही मदद की थी। इसके अलावा तंजानिया मोजाम्बिक से भी बॉर्डर शेयर करता है। ये दोनों ही देश अरब सागर में भारत की सबसे बड़ी ताकत बन सकते हैं।